हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको नाइट वेयर शॉर्ट्स बनाना बताऊंगी। मैंने ये बचे हुए कपड़े से बनाया, तो ये मैं कॉटन के कपड़े से बना रही हूँ। पार्ट को हमें वो इसे स्टिच कर लेना है। तो हमें एक दूसरे को अच्छे से मिला के, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को अच्छे से मिला के स्टिच कर लेते हैं इनर लेग्स वाले पार्ट को। Thank you.
ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है और मैंने एक इंच का गैप यहाँ छोड़ दिया क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालना है। तो अब हमें क्या करना है, जितना आपका कमर का मेज़रमेंट रहेगा आप उससे एक इंच कम इलास्टिक लीजिए। जैसे मेरा कमर का मेज़रमेंट 28 है तो मैं यहाँ 27 इंचेस ले रही हूँ और हम लोग इसे सेफ्टी पिन के हेल्प से इलास्टिक इसमें डालती हूँ। तो आपका जितना कमर का और इसका हम लोग लूप बनाएंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि जितना हमारा मार्जिन है उससे हम लोग एक इंच एक्स्ट्रा लेके इसे कट कर लें। तो मैं यहाँ पे 3 लूप बना रही हूँ बेल्ट के लिए। तो ये मैंने कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है कि तो इस पर स्टिच कर लेना है। पहले उल्टा स्टिच करना है फिर उसे पलट के स्ट्रेट सीधा कर लेना है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें मार्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर पे मार्क करेंगे। तो हमारा जो बीच में सेंटर है हम लोग उस पर मार्क करेंगे। और हमें फिर क्या करना है, दोनों साइड के सेंटर में मार्क करना है। जो हमारे साइड में जो सेंटर आ रहा है उसे उसमें मार्क करना है लूप के लिए। और हम लोग इस तीनों जगह पर हम लोग इसमें लूप अटैच कर लेते हैं बेल्ट के लिए। पहले हमें उल्टा स्टिच करना है फिर उसे पलट के सीधा कर लेना है। तो ये देखिए हमारा लूप स्टिच हो गया। चाहे तो आप 2-3 लूप और बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे 3 ही लूप बना रही हूँ बैक के साइड में। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंचेस है। तो हम लोग इसे फोल्ड कर लेते हैं और साइड से हम थोड़ा सा कर्व करके इसे स्टिच कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा गैपिंग छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है। तो साइड से मैंने कर्व कर दिया है और इसे हम लोग स्टिच कर लेते हैं। और बीच में हम लोग को थोड़ा सा गैपिंग छोड़ देना है क्योंकि हमें इसे पलटना है, इसलिए बीच में थोड़ा गैपिंग छोड़ के मैंने स्टिच कर लिया। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया और साइड से जो मैंने कर्व किया था उसे साइड से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये साइड से कट मैं कर लेती हूँ और जो बीच मैंने स्पेस छोड़ा था वहां से मैं इसे पलट लेती हूँ। तो मैंने इसे पलट लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि बीच में जो मैंने पलटने के लिए जो गैप छोड़ा था उसे स्टिच कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टिच कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो मैंने लूप बनाया था उसमें मैं अब इसे बेल्ट को डाल देती हूँ। आप चाहे तो 2-3 लूप एक्स्ट्रा और बना सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लूप बनाया है बैक के साइड में। तो ये मैंने बेल्ट इसमें लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है कि नीचे की तरफ से मैं इसे 1 इंच फोल्ड करके चारों तरफ से मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ अच्छे से। दोनों तरफ मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया। तो अब हमारा शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है साक्षी सहाय। सो ओके, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।